हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली वो R15 V3 BS6 की मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। R15 V3 में मॉडिफिकेशन, जो बेसिक मॉडिफिकेशन है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और मेरी बाइक में क्या क्या हो रखा है। वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो पूरी देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक चैनल का सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो मैं बताता हूँ मेरी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं, और जो बेसिक मॉडिफिकेशंस होती हैं वो यही होती हैं। विंगलेट लगी हुई है आगे हेडलाइट पे, फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं, रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है, और अलॉय व्हील पे कुछ स्टिकरिंग हुई है। बस इससे ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और मैं अब सेकंड कैमरे में दिखाता हूँ आपको। सो सेकंड कैमरे से, सो गाइस देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड कैमरे से कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। तो भाई पहले तो आता है फ्रेम स्लाइडर, और मैं इनकी लास्ट में प्राइसिंग भी बताऊंगा आपको कितने का क्या प्राइस का फ्रेम स्लाइडर है। ये फ्रेम स्लाइडर भाई ये बहुत जरूरी होता है, जो आपको फेयरिंग को बचाएगा। और देखो नीचे है एक रेडिएटर गार्ड अपना, वो देखिए, जो रेडिएटर में कोई आपका छोटा मोटा पत्थर वगैरह ना लगे, स्टोन ना लगे, उसके लिए रेडिएटर, अगर आपका कोई स्टोन वगैरह रेडिएटर में लगा तो आपका रेडिएटर हो जाएगा लीक, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है रेडिएटर के लिए। इसमें आपको मट्टी वगैरह सब चीज बचाएगा। सो अब तीसरी चीज आती है, दो चीज मैंने दिखा दी, अब तीसरी चीज आती है विंगलेट। भाई ये विंगलेट जो है इसकी, मतलब इसका प्रोटेक्ट तो कुछ नहीं करती, पर ये इसकी लुक अच्छी बना देती है बाइक की। देख लो जैसे कि इसकी वजह से एक शार्प कट आ रहा है, जो बाइक में काफी अच्छा लग रहा है। ये विंगलेट का प्राइस भाई मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इतने आप वीडियो को देखिए, पर ये विंगलेट बहुत अच्छी लगती है। विंगलेट दो तरह की आती है, एक यहाँ वाली आती है और एक इससे थोड़ी और कॉस्टली आती है, उसमें थोड़ा शार्पी एज रहते हैं, वो इससे भी अच्छी होती है। और अब दिखाते हैं भाई एक और चीज, जो मैं आपको बतानी भूल गया शुरू में, टैंक पैड। जो मैंने टैंक पैड लगवा रखा है, जो आपके बेल्ट और पेंट के निशान जो यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, उसकी वजह से मैंने टैंक पैड लगवाया है। ये टैंक पैड की प्राइसिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी यार टैंक पैड की, पर ये अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है, स्क्रैच यहाँ बिल्कुल भी आने नहीं देगा। और भाई ये थोड़ा लेमिनेशन छूट रही है, इसको ध्यान मत देना। और अब आते हैं रिम स्टिकर्स, ये देख लो जो रिम की स्टिकरिंग हो रही है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है। इसकी मैं एक क्लिप आपके इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगा, उसे आप देख लीजिए। इसकी प्राइसिंग में बता दूंगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले, आप चैनल पे विजिट करिए और उस वीडियो को देखिए, और मैं इस वीडियो का रिम स्टिकर वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो गाइस, आपने वीडियो देखी, अब मैं आपको इनकी प्राइसिंग बताता हूँ, वीडियो में क्या क्या प्राइसिंग हुई, मतलब इन प्रोडक्ट की क्या क्या प्राइसिंग है। तो भाई पहले फ्रेम स्लाइडर आता, फ्रेम स्लाइडर जो है आपका 1200 रुपए का मुझे पड़ा था, क्योंकि भाई मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ऑफलाइन ये सस्ता 800-900 रुपए का मिल जाएगा। और भाई रेडिएटर गार्ड की बात करते हैं, तो रेडिएटर गार्ड 800 रुपए का है, ये भी ऑनलाइन मंगाया था। टैंक पैड वो 200 रुपए का, वो भी ऑनलाइन मंगाया था। अगर इनके आपको लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उनका लिंक बताऊंगा। और अब बात करते हैं उसकी रिम स्पीकर्स की, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, इससे पहले वाली जो वीडियो है उस अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, उस पर क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक ठोकिए। भाई देखो एक चोंद आ रही है धूप की, तो इससे थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। तो और जो यही मॉडिफिकेशन है बेसिक, वरना यार मॉडिफिकेशन आप इसमें क्या क्या करवा सकते हो, डिस्क ऑयल कैप ले लो आप, टेल टाइड चेंज करवा लो, एग्जॉस्ट चेंज करवा लो, पर इनकी हमें कोई नीड नहीं है, इनके मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, पर जो हमें जरूरत की चीजें हैं वही करवानी चाहिए, इनके में कोई नीड नहीं है। जो नीड थी, जो मेन चीज थी, वो मैंने करवा ली, फ्रेम स्लाइडर जरूरी था, रेडिएटर का जरूरी था, टैंक पैड जरूरी था, ये बेसिक मॉडिफिकेशन से इनकी ही नीड थी, यही मैंने करवाई है। भाई एक नया टॉपिक है, जो वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, उसकी अपलोड होगी वीडियो, वाई R15 V3 इज अ कॉस्टलीस्ट 155cc सेगमेंट इन इंडिया। मतलब 150cc में R15 इतनी कॉस्टली बाइक क्यों है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द अपलोड होगी चैनल पे। और आज की वीडियो में यही, अगर वीडियो भाई वीडियो को देखो लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही करना, और वीडियो को शेयर करो भाई, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, मैं आप ही की वजह से हम यहाँ तक आए हैं आज, और आगे कहाँ भी जाएंगे। सो आज की वीडियो में यही, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।